टू मॉडल्स ऑफ सोसाइटी अ मॉडल ऑफ सोसाइटी विच लाइज एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थेरी एंड डिटरम्स इट्स परस्पेक्टिव द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस सोसाइटल मॉडल आर नंबर वन दैट एवरी सोसाइटी इज अ रेलेटिवली परसिस्टिंग कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स हर मुआरा जो है पूरी दुनिया के अंदर वो कोई भी हो उसके अंदर कुछ इम्पॉटेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपस के अंदर एक रिलेशनशिप बन जाता है दैन एवरी सोसाइटी इज़ अ वेल इंटेग्रेटेड कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स कुछ जगहों पर ये एलिमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इंटेग्रेटेड होते हैं उनके दरमियान एक रब जो है वो कायम हो चुका होता है कुछ अभी उस प्रोसेस के अंदर अभी उस प्रोसेस का हिस्सा बने होते हैं उनके अंदर उस तरीके से इंटेग्रेशन नहीं होती लेकिन वो उसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं एंड एवरी सोसाइटी इन एवरी एलिमेंट इन अ सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स फंक्शनिंग और माशरे के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें अपना हिस्सा डालते हैं अगर एलिमेंट्स अपना रोल प्ले ना करें तो लाजमी बात है कि फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती सो एवरी सोसाइटी रेस्ट्स ऑन द कंसेंसस ऑफ इट्स मेम्बर्स लेकिन किसी भी माशरे की जो फंक्शनिंग है वो कब मुमकिन है वो कैसे हो सकती है जब उसके अंदर रहने वाले लोग के जो मेम्बर्स हैं उनका आपस के अंदर कंसेंसेज हो किस बात पर कंसेंसिस ज़रूरी है यही कि वो तमाम जो डेवलपमेंट्स किसी भी माशरे को चाहिए हैं कि उसकी फंक्शनिंग होती रहे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है और रेलीवेंट होती है और फिर जो दूसरा मॉडल है द अदर मॉडल टेक्स द डिफरेंट पोजिशन ऑन ऑल दीज फोर पॉइंट्स लाइक नंबर वन एवरी सोसाइटी सब्जेक्टेड

हर एक प्रोसेस को हर वक्त एक चेंज से गुजरना है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं ह्यूमन लाइफ है ये डनामिक है ये स्टैटिक नहीं है ह्यूमन लाइफ हर वक्त ह्यूमन बिहेवियर जो है वो नए से नए की तलाश में रहता है और इस सारे प्रोसेस के अंदर हर माशरे में सोशल चेंज जो है दैट इज़ क्वाइट ओबियस के उसके बगैर प्रोसेस जो है वो चल नहीं सकता देन एवरी सोसाइटी एक्सपीरियंसिस एट एवरी मोमेंट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट अब जब लोगों ने इकट्ठे रहना है लोगों के अपने अपने मफादत हैं अपना अपना तरीक़ार है अपना अपना रवैया है तो इसका मतलब है सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी हर वक्त राइज करेगा यानी पहले मॉडल में क्या था कि कंसेंसिस होना चाहिए दूसरे मॉडल के अंदर जो बात है वो ये है जो हकीकत से ज़्यादा करीब लगती है कि जो सोशल ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है जब आप रहते ही हैं इकट्ठे और आप सोशल चेंज की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फिर ये कुदरती बात है कि इसके साथ आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज करेगा सो एवरी एलिमेंट इन अ सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स चेंज एंड एवरी सोसाइटी रेस्ट्स ऑन कॉन्सट्रेंट्स ऑफ समर्स बाईअ अदर्स अब जब लोग इकट्ठे रहेंगे तो आपस में जो कॉन्सट्रेंट्स होंगे उनको भी फेस करना है और सारे मेंबर्स जो हैं वो कभी इकट्ठे उनका कंसेंसस हर वक्त मुमकिन नहीं है उनका आपस में तनाव भी आएगा उनका आपस में इख्तलाफ भी आएगा और फिर उस इख्तलाफ को सेटल डाउन करने के लिए कोई फर्दर नया मेकनिज़म जो है वो डिज़ाइन होता रहेगा सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड बाई एनी एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन विच ऑफ़ द टू मॉडल इज मोर नियरली करेट बिकॉज

कोई एक स्टैटिक फॉर्मूला हम ह्यूमन सोसाइटी पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं सो इट सीम्स मीनिंगफुल टू से दैट बोथ मॉडल्स आर इन अ सर्टेन सेंस वैलिड एंड एनालिटिकली फ्रूटफुल बिकॉज स्टेबिलिटी एंड चेंज इंटेग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन एंड डिसफंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स दे ऑल आर इंटर रिलेटेड इंसानों की ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ के दो पहलू हैं जहाँ कंसेंसिस भी होता है वहाँ इख्तलाफ भी होता है जहाँ कंस्ट्रेंट्स आती हैं वहाँ कंसेंसिस भी डेवलप होता है क्योंकि हमेशा हर एक तरह की सूरत हाल जो नहीं रहती है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशंस जो है दैट इज़ मोर रेलेवेंट टूवर्ड्स द सोसाइटी सो वी कैन दैट अ मोर जनरल थेरी ऑफ सोसाइटी मे बी मोर रेलीवेंट टू डकस वो दीज मॉडल्स बिकॉज जो कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो वह ज़्यादा इम्पॉटेंट है रदर के हम सोसाइटी um, uh, के लिए डिस्कशन करते हुए सिर्फ दो मॉडल्स की बात करें क्योंकि दो अकेले अकेले मॉडल्स में सारी चीज़ें कवर नहीं होती बल्कि अगर हम उसका कॉम्बिनेशन बना लें तो यही इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जो फिलॉसफी थी जो थेरी पेश की गई थी उसके ऊपर भी जो मेन क्रिटिसिज्म है वो यही है कि माशरे के ऊपर कोई एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता गुजरते हुए हालात बदलते हुए हालात बदलते हुए, हुए इंसानी रवैये इंसानी ख्वाहिशात कभी लोगों की पसंद एक होती है कभी पसंद दूसरी होती है हालात असरानंदाज़ होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर तो इस सब के साथ मुशरों के अंदर जो कॉम्पिटेंस है वो इंक्रीज होती है ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ उनकी जो थेरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज है ये इसके अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं वी कैन नॉट जनरलाइज अ सिंगल फार्मूला टू एवरी सोसाइटी हर मुशरे के हालात मुख्तलफ़ हैं वाक़ मख्तल हैं उसका तनाज़र उसका कॉन्टेक्सट डिफरेंट होता है इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जब हम चीज़ों को रिलेट करते हैं देन वी हैव टू कंक्लूड देन वी हैव टू पेट्रोनाइज दैट नॉट अ सिंगल फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल टू एवरी सोसाइटी बिकॉज अंडर द सर्कमस्टांसिस विद कंबाइनिंग विद द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर वी कैन नॉट अप्लाई एनी ऑफ द वन model on the society, but we can say that if we want to understand human society, then we have to apply a combination of both the models uh, and which can help us properly to understand a uh, society as well as a uh, human nature and human behavior.